कृष्णदेव राय का किरदार निभा रहा हूँ मैं, और राजा है, बहुत अमीर है और बहुत वाइज है और बहुत अग्रेसिव है और बहुत जस्ट है। ये सारी चीज़ें तो राजा में होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन इसमें ख़ास ये है कि इसके पास तेनाली है और तेनाली इसका मंत्री बनता है। एंड हाउ तेनाली सॉल्व्स एवरीथिंग फॉर हिम, उसकी कहानी है और इंटरेस्टिंग है स्टोरी। आप हम सब कहने की जानते हैं तेनाली के बारे में, तो उसी का एक एक्सटेंशन समझ लीजिए आप। ढांचा वही रहेगा, है ना, विटी, फनी, कॉमिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चतुराई से जो भी इश्यूज होंगे वो सारे सॉल्व करेगा। और यही एक्साइटिंग बात है कि एक शो ऐसा आ रहा है जिसमें वी विल एक्चुअली सी द ड्रामा एंड ह्यूमर टुगेदर। थोड़ा कॉमेडी देखने में, बिल्कुल कॉमेडी भी है और ड्रामा भी बहुत अच्छा है इसमें। तो मुझे जो फीडबैक मिला है इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि हम लोग खरे उतरते हैं कि नहीं उनके एक्सपेक्टेशंस पर। मैं ये कहूँगा कि 11 तारीख से 8 बजे का समय मेरा हुआ, 8 बजे हम मिलेंगे तेनाली रामा में, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन सब टीवी। देखिएगा ज़रूर, खूब मेहनत लगी है और मज़ा आएगा आपको। तो मैं प्ले कर रही हूँ तेनाली की बीवी शारदा, और शारदा जो है आप सबको देख के बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, बबली है, नटखट है, और जैसे आप सबकी गर्लफ्रेंड्स या जैसे हम सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं ना, कि क्यों सुन क्यों नहीं ऐसा क्यों किया, बिल्कुल ऐसी है सारा टाइम तेनाली से, ऐसे ही इरिटेट होती रहती है और तेनाली कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और वो वाइन करती रहती है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्ले करने में। हम सब ने बचपन में तेनाली रामा देखा है एज कार्टून सीरीज और डीडी पे जब आता था, तो जब मैंने सुना तेनाली रामा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे तो करना ही था। तो आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं जो लोग एक्टिंग से लेना देना नहीं है किसी का या टीवी देखते भी नहीं है, आज तक कभी टीवी नहीं देखा, उन लोगों को भी जब मैं बोल रही थी तेनाली रामा आ रहा है तो सब लोग कह रहे हैं अरे यार सच्ची कब आ रहा है बताओ बताओ, तो आई एम श्योर इतनी एक्साइटमेंट सभी में होगी देखने के लिए, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई थिंक मज़ा आएगा। एक्सपेक्टेशंस तो किसी भी नई चीज़ से होती है। मैंने अभी तक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आई हैव बीन अ बहू, और यूथ शो में मतलब स्विम टीम जैसा शो किया है जहाँ मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी और सब कुछ बहुत अलग था। तो हर एक शो से एक्सपेक्टेशन रहती है, इस शो से है, इस कैरेक्टर से है मुझे, और बहुत ही अलग कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा है, बिकॉज मैं डांस बैकग्राउंड से हूँ तो कॉस्ट्यूम में मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जो पूरा डायलेक्ट है, आजकल हम इतनी साफ हिंदी कहाँ बोलते हैं, तो एक ऐसा शो जहाँ कॉमेडी है पर चालू लैंग्वेज में कॉमेडी नहीं है, माइथो और पुराने ज़माने की हिंदी में है, तो ये एक नया है, लोगों ने पहले माइथो देखा है पर माइथो कॉमेडी सबसे पहली बार हो रहा है, तो आई थिंक लोगों को नया लगेगा, मज़ा तो आना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस है। सी द डील इज़ कि सबने मुझसे पूछा कि तेनाली रामा है तो मतलब तेनाली पे होगा शो, तो यू नो डू वांट टू डू इट, पर शारदा जैसे मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर है अगर टीवी पे आ रहा होता ना तो मैं कहती यार ये मैं हूँ, ये मैंने क्यों नहीं किया, तो आई एम सो ग्लैड आई एम गेटिंग टू प्ले इट, बिकॉज मेरे रियल लाइफ से बहुत क्लोज है, बिल्कुल नेचुरल लड़की है, थोड़ी ओवर द टॉप है क्योंकि उस एरा में सब कुछ थोड़ा ओवर द टॉप है और कॉमेडी है, तो इसलिए, और मैंने कभी कॉमेडी किया नहीं है, तो आई गॉट अ चांस टू प्ले अ कॉमिक कैरेक्टर विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये करने को मिला है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि शारदा का एक तकिया कलाम है, उठा लो कहती है, जो तो मैं यही कहती हूँ कि अगर उठा लो और आप पूछेंगे क्या उठा लो, तो मैं कहूँगी अपना रिमोट उठा लो और देखो सब टीवी 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे 11 तारीख से, और शारदा को देखो, तेनाली रामा को देखो और ढेर सारा प्यार दो। मैं चिन्ना देवी प्ले कर रही हूँ महाराजा की फर्स्ट वाइफ एल्डोवन, जो स्मार्ट है, सेंसिबल है, लिटरेट है, और शी कैन जज द पीपल, और उनको तुरंत पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कैसे करना है, तो इनडायरेक्ट वे में वो कैसे ना कैसे करके अपनी बात राजा तक पहुंचा देती है, ताकि स्मार्ट, हाँ शी इज़ स्मार्ट, दैट्स ऑल। आप बताइए आपके किसे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका सिंह, आई एम प्लेइंग तिरुमलम्बा, छोटी रानी इन दिस शो, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा बबली है, थोड़ा सा डम है, और
जितना स्मार्ट चिन्ना है वो राजा को अच्छे कामों में सजेस्ट करती है कि आपको क्या काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तिरुमलम्बा हर काम में पानी फेर देती है, आई मीन जो काम अच्छा भी होने जा रहा होता है उस काम को अपने माइंड लगाती है कि कुछ अच्छा हो, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, वो अच्छे खासे बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ देती है। बट शी इज़ वेरी इनोसेंट, उसे कुछ नहीं पता होता है, वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करती है, ये सब कुछ धोखे में होता है उसके साथ। वो राजा को चाहती है बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाना, एंड शी कैन मेक बैंगन का हलवा। यस गाइस, बैंगन का हलवा। और उसके बाद राजा जी बहुत खुश होते हैं, आप चिन्ना से वो टेस्ट भी करते हैं, बट उसका टेस्ट कैसा है वो तो राजा जी से ही पूछना पड़ेगा एक्चुअली, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। या अच्छा, थोड़ा तो तेनाली रामा के बारे में बताइए, किस तरह का स्टोरी है, क्या कंसेप्ट है? तेनाली रामा आपको 25 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा ऑन स्क्रीन। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमने उनकी स्टोरी सुनी है, और अब इतने सालों के बाद ये शो आने वाला है, इसके अंदर ह्यूमर है, ड्रामा है, कॉमेडी है, फन है, और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेंगे। इसके अंदर कॉस्ट्यूम के साथ साथ क्या कह सकते हैं उसको, इट्स नॉट ए हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम ड्रामा, इट्स अ फन कॉमेडी एंड इंटेलिजेंट, अकबर बीरबल काइंड ऑफ, जैसे हल्का फुल्का कॉमेडी था, इट्स लाइक दैट। तो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है? नो, इट इज अ रियल बेस्ड स्टोरी आई गेस, थोड़ा बहुत इट्स अ फिक्शन, बट या इट्स अ फिक्शन, टुक फ्रॉम द रियल स्टोरी। या अच्छा, पहले तो अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए, बहुत डिफरेंट लुक है। सी इट्स लाइक अ नवारी, हम दोनों का डिफरेंट है, दोनों को दिस चीज़ बड़ी रानी, तो साउथ इंडियन लुक आई एम वेयरिंग, दिस इज मांग टीका एंड दिस इज टू थिंग्स आई डोंट नो व्हाट दे कॉल, एंड द बड़ी बड़ी रिंग्स आई एम वेयरिंग, एंड दिस हार, लक्ष्मी हार जो साउथ इंडियन आई गेस पहनते हैं, एंड यू आर फ्रॉम साउथ नो, एंड दिस दैट That's all and long hair. अच्छा, आपकी ज्वेलरी के बारे में बताइए। मेरा है बिकॉज चिन्ना का ओपन हेयर है, तो मेरा गंगा बन है, चुटिया है ये, और छुटका सा हार है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया है तिरुमलम्बा को, बिकॉज चिन्ना का टिपिकल ट्रेडिशनल लुक है, तो थोड़ा सा हटकर मेरा लुक दिया है उन्होंने। और जैसे इनका नवारी स्टाइल है, साउथ इंडियन स्टाइल जैसे कहते हैं, तो हाँ। मुझे थोड़ा लहंगा दिया है उन्होंने साथ में, और एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, आई लाइक दैट, प्यारा कॉम्बिनेशन। फाइनली अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हम व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि इस शो को देखना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद आ रहा है और आप इस शो को बहुत इन्जॉय करेंगे, तेलानी रामा, और ये आने वाला है। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस शो में, और कर रहे हैं हम लोग भी, बिकॉज देखिए हम लोग का पहला कॉमेडी शो है, तो जी पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं हम लोग कि हमारा जो भी शो है एक निकल कर आए, बहुत अच्छा बने, सुपर, और लोगों को एंटरटेन करे, फुली एंटरटेन करे, और कोई भी व्यूअर्स बोर ना हो हमारे शो से। तो ये पूरी कास्ट इसके लिए पूरा जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस, प्लीज़ वॉच 11th जुलाई 8 PM ओनली ऑन सब टीवी। तथाचार्य गुरु तथाचार्य का रोल कर रहा हूँ, जो बड़ा ही धूर्त करेक्टर है, एंटागनिस्ट है, नेगेटिव है, चालाक है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, दुष्ट है, स्ट्रांग है, विट्टी है, सभी रसों को लेकर चल रहा है ये किरदार, और इसकी अलग अलग शेड्स हैं, ये एक ट्रैक का किरदार नहीं है, ये इसकी अलग पांच छह रूप हैं इसके, राजा के साथ अलग है, तेनाली राम के साथ अलग है, अपने जो चेले हैं धनी मनी उनके साथ अलग है, प्रजा के सामने अलग है, बीवी के साथ अलग है, और इसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ अलग है, ये छह अलग अलग शेड्स हैं इस किरदार के, जो निभाने में बहुत आनंद आ रहा है, और तेनाली राम के साथ टक्कर है इसकी। तेनाली राम पॉजिटिव करेक्टर है, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये तेनाली राम पॉजिटिव करेक्टर है, ये नेगेटिव करेक्टर है, ये टॉम एंड जेरी वाला मामला है, चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है तेनाली और तथाचार्य के बीच में। तो
ओके, तेनाली रामा के इसके बारे में शो के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बताइए, इतने सालों बाद टेलीविजन पर आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट इसके बारे में सब दुनिया जानती है इसके, और ये एक ऐसा किरदार है, ये ऐसी कहानी है जिसके बारे में बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि इस शो का हर कोई इंतज़ार कर रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और बड़ा इमॉर्टल किस्म का किरदार है, लोग जो 25 साल पहले आया था उसको आज भी लोग याद करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अब तो और बड़े लेवल पे बड़े लेविश तरीके से बना है, पब्लिक को बहुत आनंद आएगा देख करके। ये शो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप मुझे इस इंडस्ट्री में 28-29 साल हो गए काम करते हुए, आप लोगों का प्यार मिलता रहा है हमेशा, थैंक यू वेरी मच। और गुजारिश है मेरी आपसे कि अपना प्यार जिस तरीके से आप लोगों ने दिया इस शो पर भी दीजिए, इस शो के लिए भी दीजिए, इस शो को देखिए और खूब आनंद उठाइए। धन्यवाद। जितेंद्र सर एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और ये प्ले कर रहे हैं तिमा रासु कैरेक्टर इस सीरियल में, जो कि अपने राजा जी के बहुत ही खास हैं। सर प्लीज़ आप दो शब्द अपने बारे में। जी थैंक यू सो मच भाई। इस शो के अंदर मैं तुम्हारा सु एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि इस विजयनगर राज्य का मंत्री है, महामंत्री कह सकते हैं आप। तो राजा का पूरा भरोसा जो है वो इस महामंत्री के ऊपर है, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी होती है। और इसके साथ में हमारे जो नेगेटिव कैरेक्टर में है तथाचार्य जी, तथाचार्य के ऊपर हमारे राजा का अंधाधुन विश्वास है। लेकिन क्या होता है कि बीइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर, मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ, तो मैं नेगेटिविटी देख सकता हूँ कहीं ना कहीं तथाचार्य जी के अंदर। और मैं लेकिन क्या होता है कि मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अगर राजा को बोलूँगा कि सर राजा जी ये गलत कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी ना हो कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। इट इज़ हियर वेयर तेनालीरामा राज्य में आते हैं और अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपनी विटीनेस से इस चीज़ को, इस कालेपन को, इस धब्बे को किस तरह से हटाते हैं, ये देखने लायक चीज़ है। ये थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक, जैसे क्विक डायलॉग्स, गिव एंड टेक इतना ज़बरदस्त है, और हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया है। और यही चीज़ है। एंड कीप वॉचिंग तेनाली रामा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 11th of July इवनिंग 8 o'clock। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। थोड़ा सा ही कपटी है और थोड़ा सा ही हरामखोर है, क्योंकि ये थोड़ा से ज़्यादा जो ज़्यादा का पार्ट है ना, वो प्ले कर रहे हैं हमारे तथाचार्य गुरु जी। और इस कैरेक्टर के बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप बोल सकते हैं शक्ति कपूर राजा बाबू का है। इसमें हमारी वॉइस भी है वो बिल्कुल नेजल वॉइस है। अगर अपने वॉइस में बोलना चाहूँ तो दोस्तों, इस वॉइस के साथ अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो ये कैरेक्टर इतना कमाल है, इतना धमाल है, इतना बेमिसाल है कि ये हम दिखा देंगे दोस्तों क्या है क्या का मौका दिया, जिसका नाम है तेनाली रामा। और अभिमन्यु जी दिल से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा नाम है सोहित विजय सोनी और मैं दिल्ली से हूँ और थिएटर करता था 5-6 साल पहले। उसके बाद बॉम्बे से मैं 2 साल से मैं बॉम्बे में हूँ और उसके बाद मैंने कॉमेडी सीरियल सबसे ज़्यादा किया है, वेरी हिट सीरियल भाभी जी घर पर है, 64 एपिसोड कंप्लीट, न्यूज़ एंकर और डिफरेंट, क्योंकि मुझे अलग अलग करना बहुत पसंद है। कॉमेडी सर्कस में भी एक एपिसोड में था मैं, और विलन्स में मैं गूंस बनता था छोटे छोटे कैरेक्टर्स में। बाकी ये काम पूरा अलग करना था, कुछ अलग अंदाज में लोगों को हंसाना था, बाल भी उतरवाना पड़ा मुझे, कपड़े भी उतरवाने पड़े, पूरे दोनों मिलकर बहुत कॉमेडी करने वाले तेनाली, बहुत कॉमेडी करने वाले हैं। ये कॉमेडी में बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है, बूढ़ों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपनी नॉर्मल वॉइस यूज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ से बोल रहे हैं हिमेश जी की तरह, ना अपनी तरह काली पहुंच गया गुरु जी के मुँह पे, काली देख कैसी गंदी मतलब कोयले वाली शक्ल हो गई। मैं जिनका दिल ही कोयले का हो, शक्ल की क्या बात करें। अरे ये कीड़ा तो लग रहा है, भगवान ने इसको कीड़ा ही बना रहा हूँ, गलती से ये ना इंसान के रूप में। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हमारा कैरेक्टर, हमारे
कैरेक्टर में फैमिली को भी ऐसे बचाते हैं, प्रोटेक्ट ऐसे सब करते हैं। फिर हम लोग राज दरबार आते हैं, उधर भी मस्ती करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं और ये सब जान लगा लेते हैं। दोस्तों खास बात मैं बताना चाहूँगा इस कैरेक्टर के बारे में, बच्चों से खास तौर पर बोलना चाहूँगा, ये बच्चा जरूर है लेकिन इस बच्चे से हम हमेशा हार जाते हैं। धनी और हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारी प्यारी सी जनता जो है 11 तारीख से यानी 11 जुलाई से रात 8 बजे सब टीवी पर देखना ना भूले तेनाली रामा। सोनी सब टीवी मैं ये हंसते रहो सब टीवी का मतलब हंसते रहो, मिलकर हंसते रहो, तेनाली रामा देखते रहो, धनी मनी को बिल्कुल मत भूलना, तथा चार्य जी को बेशक भूल जाना। सही 25 साल बाद आ रहा है, ऑडियंस को बहुत इंतजार है, ऑडियंस का प्यार हम लोगों तक मिलना चाहिए और हमारा टीआरपी बढ़ाते रहना देखते रहना।